पंजाब में रोपड़ के रहने वाले एडवोकेट अंकुर वर्मा पर अपनी मां को बुरी तरह पीटने का आरोप है। 73 वर्षीय रिटायर्ड लेक्चरर आशा रानी को शनिवार को एक समाज सेवी संस्था ने अस्पताल में भर्ती करवाया। आशा रानी की बेटी का कहना है कि उनके भाई नियमित रूप से अपनी मां को पीटा करते थे। एक बूढ़ी औरत को बुरी तरह पीटने का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था। इन्हां दे काफ़ी नील पए हुए पूरी बॉडी ते देखने च लग रहा है कि हाँ काफ़ी सारी सट्टा लगी इन्हां दे सुपरफिशियल ब्रूजेस हैगे ने काफ़ी ज़्यादा ते टाइम जो कलर ऑफ ब्रूज है उन्होंने देख के लग रहा है कि मतलब विद इन वन वीक या दो हफ्ते की कुटमार चल रही है इन्हां दी। एक हाईली एजुकेटेड फैमिली उन्होंने बेटा जी अंकुर वर्मा एडवोकेट उन्होंने नूँह वह भी एक लैक्चरार उन्होंने पोतरा प्लस वन के पढ़ रहा मतलब तीनों मैंबर उस मां नूं घर दे विच इस तरह कुट रहे आ जिवें जानवर कुटदे आ। 10-15 दिन पहला जदों बेटी अपनी मां नूं मिलण गई उन्हें देखिया मूंह सुजा होया बुल सुजे आंढी गुआंढियां दस्से भी तेरी मां नाल विहार सही नहीं कर। उन्होंने सानूं रात वीडियो भेजी असीं अज सवेरे तड़कियों इत्थे रोपड़ पहुंचे SSP साहब दफ्तर च मिले असीं पूरा प्रोपर पेपर वर्क करके उत्थे घर गए उस मां नूं रेस्क्यू करके लैके आए। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया जिसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जिहड़ा साडे कोल कंप्लेनेंट ने एलीगेशन लाए सी कि उन्हां दी जिहड़ी मदर आ उन्हां दा ब्रदर जिहड़ा ने इलीगल कंफाइन करके रख्या हुआ और वो उहदे नाल कुटमार कर रहे सो असीं उस कंप्लेनेंट के आधार पर SDM साहब तो 97 CRPC पर वारंट लैके जिहड़ा असीं उन्हां दे घर गए सी जिथे कि माता नूं जिहड़ा जिहड़ी असीं सारी टीम ने रेस्क्यू करके हॉस्पिटल दाखिल कराया हुण असीं अगली कार्रवाई उन्हां दी शुरू कर। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने रोपड़ के वकील अंकुर वर्मा उनकी पत्नी और बेटे के इस करतूत की काफ़ी आलोचना की है। उन्होंने इस मामले की जाँच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बार एसोसिएशन रूपनगर के प्रेसिडेंट अमरीक सिंह कतवाल ने कहा है कि अभियुक्त की सदस्यता बार एसोसिएशन की तरफ से रद्द कर दी गई है। BBC ने इस तरह के मामलों को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजविंदर सिंह बैंस से बातचीत की। एडवोकेट बैंस ने कहा कि इस तरह किसी को पीटना या गलत व्यवहार करना कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि अगर माता पिता के पास कमाई का कोई साधन नहीं है तो बच्चों को उन्हें पैसा देने के लिए कहा जा सकता है। एडवोकेट बैंस के मुताबिक ऐसे मामलों में माता पिता ऐसे हालात में बच्चों के नाम की गई अपनी सारी संपत्ति वापस ले सकते हैं। वो SDM को आवेदन देकर सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स वेलफेयर एक्ट के तहत ऐसा कर सकते हैं।